हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड भी बढ़िया निकल गया और अब अनुपमा को कुछ एहसास तो है कि आद्या कहाँ हो सकती है। आद्या ने इस बार बड़ा सिग्नल दिया है, मानना पड़ेगा इस बच्ची की हिम्मत को कि हिम्मत बना के वो लगी हुई है अपनी माँ को सिग्नल पे सिग्नल भेजने के लिए। तो बढ़िया है आज के एपिसोड, आपके रिव्यूज भी बढ़िया है। तो बताती हूँ क्या बोला है अपने अपने रिव्यूज में। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं कुसुम जी के रिव्यू से। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड भी बहुत अच्छा लगा। आज अनुपमा को थकी हुई देखकर सबका अनु के लिए कुछ ना कुछ लेकर आना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे आशा बम वाले जब अनु की केयर करते हैं। कितने टाइम से बेचारी एक पांव पर खड़े होकर काम कर रही थी, चलो कोई तो है जो अनु के साथ है, अकेली नहीं है। अनुज का भी बहुत अच्छा लगा जब अनु अपनी अनु को पानी देता है। उधर आद्या फ़ोन करती है बट किसी का फ़ोन आ जाने से वो रह जाती है, पर बाद में किसी ना किसी तरीके से उसने फ़ोन अनुपमा को मिला ही दिया। चाहे मेघा ने फ़ोन लेकर ऑर्डर किया बट कोशिश उसकी रंग लाई। मेघा को कुछ ना कुछ तो डाउट हो रहा है कि ये आद्या 3-4 दिनों में से कुछ बदली बदली लग रही है। उधर अनुपमा अनुज के साथ निकल जाती है पर अनुज का ऑटो खराब हो जाने से वो नहीं पहुँच पाता, बट अनुपमा अपनी बेटी तक पहुँच ही गई। चाहे उसे अभी पता नहीं है बट उसे एहसास तो हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सोने पे सुहागे का काम तो आद्या ने कर दिया, जो उसने डांस किया अनु तक अपने डांस की धुन को पहुंचाने के लिए, पर दोनों ने उसे जहां से जाने को कह दिया। उधर अनुपमा ने बहुत सही किया जो अनुज को आद्या के बारे में नहीं बताया, नहीं तो बिना सोचे समझे अनुज डीन के घर चला जाता और सब किए किराए पर पानी फिर जाता। अभी ना बताना ही सही था। आज दो नमूनों को देखकर मुझे तो बहुत हंसी आई। जिस तरह केंजल हंस रही थी, क्या कर रहे हैं जो अपनी नज़र उतार रहे थे, इनको नज़र किसकी लगने वाली है जो दोनों खुद ही नज़र बट्टू हैं। आज सागर का पढ़ाई करते समय मीनू का आ जाना और उसे परेशान करने लगती है, दोनों एक दूसरे को लेजर से परेशान करने लगे, इतना अच्छा नहीं लगता इन दोनों को ऐसे देख कर। ठीक ठाक था। बाद में हमने अनुपमा को परेशान देखा, वो अपने कमरे में बैठी थी, सो नहीं रही थी तो अपने घुंघरू निकाल कर अपनी बेबली की जादों को ताज़ा करने लगी। अब जो मर्जी हो जाए, उसे शक तो हो गया है कि डीन के घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब अनुपमा उस तय तक ज़रूर पहुंचेगी और अपनी आद्या तक भी पहुंच जाएगी। अब शुरू होगी एक माँ की असली लड़ाई अपनी बच्ची को वापस लाने की। प्रोमो फिर से वही था, अब आद्या अपनी माँ का पूरा साथ देगी, जो कि देखने में बहुत मज़ा आएगा। आगे देखते हैं क्या क्या होता है। बिल्कुल सोने पे सुहागे वाला काम किया आद्या ने, क्योंकि वो पहले से सोचे बैठी थी कि मम्मी आएगी टिफिन लेके या जो भी पार्सल है, तो मैं ये सिग्नल तो कमरे के अंदर से दे ही सकती हूँ क्योंकि मम्मी इस सिग्नल को तुरंत पहचान लेगी, और वही हुआ। तो बढ़िया अकल लगाई है और दूसरी बार तीसरी बार हर बार लगा रही है, तो आद्या की इस कोशिश पे तो वाकई में सोने पे सुहागा कहना बढ़िया है आपका। थैंक यू सो मच कुसुम आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, आज आद्या की पहली कोशिश तो नाकाम रही लेकिन उसकी दूसरी कोशिश सफल हो जाती है किसी तरह से। उधर अनुपमा फ़ोन तो उठाती है लेकिन तब तक मेघा आद्या के हाथ से फ़ोन ले लेती है और वो बात करती है। फिर जब अनुपमा डिलीवरी देने उनके घर आती है तो वो कहती है कि अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। खैर वो अपने कमरे में जा सकती है और वो डांस करना शुरू करती है। वो उसी धुन पर डांस करती है जिस पर उसने अनुपमा के साथ डांस किया था। उधर उससे पहले हमने ये भी देखा कि अनुपमा थक के बैठ गई है, तो कोई उसे पानी दे रहा है, कोई उसे चाय दे रहा है, कोई उसे मतलब सब उसको कि अब थक गई है तो थोड़ा सा वो रेस्ट कर ले, थोड़ा सा कुछ खा पी ले। खैर तब तक वो उसका वो चलने देने चली जाती है और उसको अब उसको ये समझ तो आ गया है कि आद्या वहीं गई है, लेकिन अभी उसको वो पक्का यकीन नहीं है कि आद्या यही है। खैर वो पूछती भी है कि डांस कौन कर रहा है, लेकिन आज फिर मेघा झूठ बोल देती है कि पीछे के घर से जो भी वो बहाना बनाती है, वट एवर।
आज लेकिन तोशु और ये बाकी दोनों नमूनों को लगता है कि हमारे को किसी की नज़र लग गई है। अरे तुम दोनों में कोई गुण तो हो जो जो तुम्हारे को नज़र लगेगी। ये दोनों तो वर्स से भी वर्स्ट हैं। ऊपर से वो जब कहते हैं कि ये पैसे हम ना आशा भवन वालों को दियाते हैं और उनकी मदद हो जाएगी और हमारी नज़र उतर जाएगी। उधर किंजल उसको की हंसी छूट जाती है और खैर वो कहती है कि मेरा मूड खराब था लेकिन तुम लोगों ने मेरे मूड अच्छा कर दिया। खैर ये सीन तो थोड़ा मज़ेदार तो था। उधर खैर ये किस जिस तरह से आज आद्य ने खुद को कहा कि मम्मी आपकी किसी तरह से ये पता चल जाए कि आपकी छोटी यहाँ है, आज तो उसने खुद को ही माँ कह दिया कि हाँ वो छोटी है। अब वो आद्य भी नहीं रही, उसकी नफरत अब धीरे धीरे कुछ कम तो हो रही है। अब देखें आगे मतलब कहीं उसके मन में, क्योंकि इसे उसे इतना तो भरोसा है कि उसकी माँ उसको बचाने ज़रूर आएगी। उधर मेघा को कुछ महसूस तो हो रहा है कि कुछ तो गलत है लेकिन अभी वो ये समझ नहीं पा रही है कि क्या गलत है क्या नहीं है। उधर वो अनुज को बताते बताते रुक जाती है कि मुझे ऐसा लगा, तो वो पूछता भी है लेकिन अभी वो सारी बात उसको बताती भी नहीं है। वो कहती है कि जो भी वो बहाना बना देती है कि मैंने खाना नहीं खाया, मैंने ये नहीं करा, मैंने वो नहीं करा, तो इसलिए मेरे चक्कर आ गए थे। तो कहता है कि लेकिन उसके बावजूद भी खैर वो घर अपने आशा भवन में आके वो घुंघरू निकालती है और उसको लेकिन तब तक नंदिता आती है और वो सब कुछ कहती है कि लेकिन वो अपने ख्यालों में इतनी गुम है कि वो उसकी बात नहीं सुनती। तो तब तक नंदिता आकर उसको हाथ रख के बात करती है। तब वो तो कहती भी है, वो बताती है अनुपमा कि जो है वो मुझे ऐसा लगा कि मेरी छोटी वहाँ है। तो वो कहती है कि अब जाके वहाँ पे देख क्यों नहीं लेती। तो अभी तो वो चल दी है वहाँ से कि जो है मैं जाकर देखती हूँ। लेकिन अभी वो शायद उसको कुछ समझ में आएगा कि अभी ये टाइम सही टाइम नहीं है किसी के घर जाने का, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है और जो है वो अभी शायद रुक जाएगी, वो अगले दिन जाएगी, क्योंकि इस टाइम पे तो ना तो मेघा घर के अंदर उसे घुसने देगी और ना ही वो अंदर किसी भी वजह से वो जा पाएगी। तो अब वो शायद जो पिकअप में दिखाया है तो यही दिखाया है कि वो अगले दिन का इंतज़ार करेगी और फिर अगले दिन वो जाएगी। ठीक है, तो वही था ही पुराने वाला। आज के लिए बस अब इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुजाता जी आपके रिव्यू के लिए। और आध्या की नफरत वाकई कम हो रही है। कम क्या, मुझे तो खत्म हो रही ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल ही नफरत वाली बात आध्या की मुझसे आ ही नहीं रही है। तो ये बढ़िया सिग्नल है एक फैमिली की यूनिटी होने का, क्योंकि आध्या की वजह से ही सब कुछ बिखरा हुआ था। तो बढ़िया है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच सुजाता जी, आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। टू मैम, गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। राधिका बिनू बोल रही हूँ। आज का एपिसोड में जहाँ दिखाते हैं अनुपमा थकी बेटी है, जहाँ कॉल आता है तो वो सामग्री ना होने के वजह से पहली बार नहीं उठाती है। यहाँ डीन के घर में खाने के लिए बैठे हैं, जहाँ आद्या फिर से कोशिश करती है ये कहते हुए कि मुझे बाहर से कुछ खाना है, घर का खाना मुझे नहीं खाना है। जहाँ डीन मेघा के सामने ही उसे खुद फ़ोन देता है ऑर्डर करने के लिए, जहाँ मौका मिलते ही आद्या ऑर्डर देने से अच्छा है कॉल ही करने के लिए जाती है, जो फ़ोन मेघा उसे छीन लेती है। यहाँ बार बार फ़ोन आते वही नंबर से आ रहा है फ़ोन, इसके वजह से अनुपमा उठा लेती है और अनुपमा उठाने के बाद कुछ कहने से पहले ही
मेघा उसे ऑर्डर और एड्रेस दे देती है डिलीवरी देने के लिए, जहाँ वो कहती है मेरी बेटी भूखी है, और रख देती है फ़ोन। यहाँ अनुपमा परेशान हो जाती है, जहाँ एक बच्ची भूखी है, और मुझे पहले ही लग रहा था कि अगर वो फ़ोन भी नहीं आता था तो भी अनुपमा खुद खाने खाने का वक्त या रात को भी वही सोच में पड़ जाती थी कि जो लास्ट कॉल उसने नहीं उठाया था, उस ग्राहक उस कस्टमर ने कुछ खाया कि नहीं, उसे बहुत बुरा लगता था। तो यहाँ तो एक बच्ची का सवाल है, जहाँ वो अपने आशा भवन में जो भी सामग्री है उसमें से ही वो बना के ऑर्डर पूरा कर लेती है और खुद ही जाके अनुज के साथ चली जाती है डिलीवरी देने के लिए। यहाँ कान्हा जी का ही इशारा है कि बीच में ही ऑटो खराब हो जाता है, जहाँ अनुपमा चल के ही चली जाती है डीन के घर में। जहाँ जाते ही यहाँ आद्या को भी पता चल जाता है कि अनुपमा खुद ही आने वाली है डिलीवरी देने के लिए। जहाँ बेल बजते ही आद्या अपने रूम पे चली जाती है और घुंघरू लेके वही धुन पे डांस करने लगती है जिस धुन पे उन्होंने अमेरिका में डांस किया था। ये सुनते ही अनुपमा को अजीब तरह से महसूस होता है, जहाँ वो पूछती भी है मेघा को, पर वो कुछ बोल के टाल देती है और उसे भगाने ही की ही कोशिश करते हैं जल्द से जल्द इसके घर के दरवाजे से ही। जहाँ अनुपमा को फिर से अजीब लगता है इनके व्यवहारों में, और उसे आध्या की याद आता है उस डांस की धुन सुनते हुए, जहाँ उसे शक हो जाता है कि आध्या शायद इसी घर में है, पर वो अभी अनुज को बताना नहीं चाहती है क्योंकि अभी वो भी श्योर नहीं है। यहाँ घर आते ही वो बहुत ही परेशान होती है, अपनी घुंघरू लेके याद करती रहती है। जहाँ नंदिता आके पूछती है तो नंदिता को ये सारी बात बताती है जो भी कुछ डीन के घर में हुआ था। यहाँ एक तरह से अच्छा ही हुआ, डीन ने अनुपमा का वो कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। इसके वजह से ही अनुपमा को एक मौका मिल गया कि वो अनु की खुद की रसोई बिजनेस शुरू कर दे, और उसके वजह से वो आध्या तक उसके डीन के घर तक पहुंच जाए। अगर वो कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता था तो अनुपमा वो कैंटीन के बिजनेस में ही बिजी हो जाती थी, तो डीन के घर में आने का मौका उसे नहीं मिलता था। तो जो भी कुछ हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, कान्हा जी का ही इशारा है। यहाँ अनुपमा बहुत परेशान होती है तो नंदिता भी उसे सलाह देती है, अगर आप उतने ही परेशान हो तो आप उसे उस डाउट को क्लियर कर लो। जहाँ वो रातों रात ही निकल जाती है मेघा के घर में। यहाँ मेघा जिस तरह से अनुपमा को डाउट आया है मेघा और डीन के घर में आद्या है, वैसे ही मेघा को भी आद्या के बर्ताव में से डिफरेंस दिख रहा है। जो बच्ची इतनी दिन से डरी और दुखी थी, आज वो हंस रही है सोते वक्त भी। जहाँ उसका बिहेवियर वो भी माप लेती है और उसे भी डाउट आ जाता है कुछ तो हुआ है, जो वो पता करने को कोशिश करने लग जाती है। यहाँ अनुपमा मेरे ख्याल से शायद रात को ही आ सकती है डीन के घर में, वही जिस तरह से प्रीकैप में दिखाया है कि एक्सेस अमाउंट दे दिया है उसे लौटाने की बहाने में, जहाँ वो आद्या को देख लेगी, या वो अगले दिन सुबह जाएगी। अभी जिस तरह से वो परेशान है तो शायद वो मंदिर जा सकती है। यहाँ मेघा जितनी गलती कर रही है उससे ज़्यादा गलती डीन कर रहा है,
इतनी समझदार, इतनी इंटेलिजेंट और इतनी बड़ी पोस्ट में होते हुए भी अपनी बीवी की इस हालत को वो उसे ट्रीटमेंट ना देते हुए एक 13 साल की बच्ची को इस तरह से उन्होंने घर में कैद करके रखा है, ये बहुत ही बड़ी क्राइम है जो डीन को इसकी पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए। यहाँ तो मेगा तो मानसिक बीमारी है पर डीन जानते हुए भी जो मेगा कर रही है वो गलत है और उसे उसके सामने ही ये सब गलती हो रही है फिर भी वो बढ़ावा दे रहा है, इसीलिए डीन की गलती ज़्यादा है इसमें। यहाँ एक माँ है जो अपने स्वार्थ के लिए जिसकी बेटी खो गई थी बाहर, बहुत बुरी तरह से हालत हो के उसने खो दिया है प्रिया को, जहाँ उसकी शक्ल आध्या को मिलती है और इसीलिए वो उसे घर में ही कैद करके रखना चाहती है, जहाँ उसे आध्या की खुशी की परवाह नहीं है, उसकी फ्यूचर की परवाह नहीं है। और एक माँ अनुपमा है जो बच्ची के खुशी के लिए अपने आप को इन बच्ची के सो दूर चली गई थी इन 5 सालों में, जहाँ ये सोचते हुए वो खुश रहेगी मेरे बिना। यही डिफरेंस है मेगा और अनुपमा में, जहाँ मेगा स्वार्थी होके सिर्फ अपने बारे में सोच रही है और जो एक अनुपमा है जहाँ वो अपनी बच्चियों के लिए, अपने बच्चे के लिए ही इतने साल जीती आ रही है, वो माँ के नाम में एक मिसाल बन के है। यहाँ पाकी और तोशु तो अजीब नमूने हैं, जहाँ उनको खुद को लगता है कि वो उनको नज़र लग गई है, स्पेशली आशा भवन के लोगों से, इसीलिए उनके साथ इस तरह से व्यवहार हो रहा है। और यहाँ मीनू को लगातार कोशिश कर रही है कि सागर के मन पे जो भी है वो खुल के बाहर आ जाए। यहाँ आद्या की भी कोशिश की दाग देनी चाहिए, जहाँ एक कोशिश नाकामयाब होने के बाद भी मायूस ना होते हुए उसने लगातार कोशिश करके जो उसे गोल हासिल करना था, जहाँ उसे अनुपमा को ये बताना चाहिए था कि आद्या यहाँ पे है, तो उसमें वो सक्सेस हो गई है। आगे की ट्रैक में देखेंगे किस तरह से अनुपमा इस मेगा साइको मेगा माँ से आद्या को इस पिंजरे से निकाल के बाहर लेके आएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच राधिका जी। और अनुपमा जो है माँ के नाम पे मिसाल है, बिल्कुल करेक्ट कहा, स्वार्थी माँ नहीं है, क्योंकि अभी तक जितनी भी मदर्स इस धारावाहिक में दिखाई गई हैं वो सब स्वार्थी ही थी। यहाँ पे आपने बात की है मेघा की, तो मेघा का स्वार्थ तो दिख ही रहा है, बच्ची घुट रही है मगर उसको सिर्फ ये है कि मेरी बेटी मेरी बेटी, तो ये तो आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है। और अनुपमा ने आध्या के लिए क्यों, बाकी बच्चों के लिए भी मिसाल ही कायम की है, उसने बच्चों को पीछे नहीं छोड़ा मगर बच्चों ने माँ को पीछे छोड़ा है। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आद्या मैसेज करने ही वाली होती है तभी डीन के फोन पर किसी का फोन आ जाता है। उतने में मेघा भी वापस आ जाती है। ये ट्राई तो उसकी विफल हो गई। अनु थक गई, बापूजी ने भी पूछा, थक गई, बहुत बहुत थक गई। तभी अनुज ने पानी दिया, इंदिरा जी चाय लेकर आई, नंदिता ने कुकीज दिए, बाला काका ने भी कहा कल तो हमें पता ही नहीं था कि इतने सारे कस्टमर आएंगे, आज तो एक पल की भी फुर्सत नहीं मिली। अनुज ने भी जोर दिया कि एक कुकी तो ले लो, लो चाय की अनु को जरूरत थी। अनु ये देखो हम सब की पहली कमाई,
हाँ नंदिता, कल तक एक भी ग्राहक नहीं था, आज तो फुर्सत ही नहीं मिली थी। हाँ सागर, आज के कस्टमर कल और लोगों को लेकर आएंगे। सही कहा। हाँ बापूजी, जिनके तार जुड़ने हैं वो जुड़कर ही रहते हैं, और ये तार तो दोनों की बेटी के साथ जुड़े हैं, तो वो जुड़ के ही रहेंगे। हाँ आद्या, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। आद्या, आज सिचुएशन बहुत अच्छे से हैंडल किया, फोन पर खुद नहीं बोल पाई पर मेघा से बुलवा कर एक हिंट दिया। आज आद्या ने स्मार्ट ट्राई किया, आद्या ने बहुत स्मार्टली तरीके से अपनी मम्मी को अपना क्ल्यू दिया। वेल डन आद्या, तुमने हिंट दे दिया, अब अनु तुम्हें ढूंढ लेगी। आद्या ने स्मार्टली सिचुएशन हैंडल की, छोटी ने डांस किया। ये मेघा को तो समझ नहीं आया कि प्रिया अचानक से डांस क्यों कर रही है, क्योंकि ये डांस स्टेप सिर्फ अनु को पता है। मेघा तो दूर दूर तक इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। आज पहली बार आद्या ने अपने मुंह से कहा कि मम्मी पहचान लीजिए प्लीज़, आपकी छोटी यही है। हाँ बेटा, आपकी मम्मी समझ गई, अब सिर्फ तुम्हारी यहाँ होने की पक्की मोहर लगानी बाकी है। मेघा, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो, वो अपनी मम्मी को बताने के लिए कि वो तुम्हारे घर पर है इसलिए डांस कर रही है, तुम सोच भी नहीं पाओगी कभी, क्योंकि मेघा एक बार अपनी वो अपनी बेटी को देख ले फिर वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। अनु ने अनुज को अभी आद्या के बारे में नहीं बताया। अच्छा है, नहीं बताया। अनुज एक्साइटमेंट में ओवर रिएक्ट करता है तो वो मेघा आद्या को लेकर कहीं और चली जाती। इस मैटर को प्रैक्टिकली हैंडल करना पड़ेगा। ऐसे हर समय ये अपने पॉप्स पर शक करती थी, जैसे मेघा शक करती है वैसे आद्या भी हर समय ऐसा ही करती थी। तभी तो कहते हैं जैसा बोओगे वैसा काटोगे, लेकिन अब वो सुधर गई है, मम्मी और पॉप्स की वैल्यू समझ गई है। आज उसने खुद अपने मुंह से छोटी बोला है, आज पहली बार अब वो अपने मम्मी पापा को एक करेगी। दो स्टूपिड नमूने, किसकी नज़र की सामत आई है जो इन दो नमूनों को मारेंगे। इतने सीरियस सीन के बाद ये फनी सीन, सच्ची ये दोनों कार्टून कैरेक्टर है, तुम दोनों अभागे ही रहोगे। समर को लूजर कहते थे, तुम दोनों लूजर हो। इन दोनों ने कौन सा खुद की मेहनत से कमाया है जो कह रहे हैं कि बाप हमारे हक के पैसे खा रहा है। 2 महीने हुए हैं वो क्या तुम दोनों को नजर लगाएंगे? तुम्हारी नजर दूसरों को लग सकती है, दूसरे लोगों की नजर तुम्हें नहीं लगेगी, क्योंकि तुम दोनों सबसे बड़े कमीने हो, तो तुम्हारी नजर से बेचारे दूसरे लोगों को बचाए। ये दोनों भाई बहन भीख मांगने भीख मंगे हैं, दूसरे मेहनत करके कमा रहे हैं, ये दोनों भिखारी खुद ही नजर उतार रहे हैं। देख लो तोशु महाराज को, भाखी को बोल रहा है कि नजर उतार कर पैसे वापस दे देना। मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी कि ये दोनों पैदा हुए होंगे तब शायद भगवान अक्कल देना भूल गए। वाह किंजल, कितना हंस रही है। किंजल सॉरी मत बोलो, तुम सही बोल रही हो, इन दोनों की हरकतों पर हंसी आती है। तुम दोनों दिन भर सोते हो, शाम को शॉपिंग करते हो, रात भर पार्टी करते हो, और तुम लोग फिर भी दुखी हो, खुद को अनलकी बोल रहे हो। मेरा मूड खराब था, तुम दोनों की वजह से मेरा मूड ठीक हो गया। इन दोनों की हरकतों पर अब तो तरस आता है। वेल डन खिंजू बेबी, बाप ने कल धमकी दी तो इन दोनों पर उल्टा असर हुआ, ये दोनों बाप को स्वर्ग नहीं नर्क जरूर भेजेंगे। बाप की कब्र तो पहले ही खोद चुके हैं, सिर्फ नर्क भेजना बाकी है। इन दोनों को कोई कुछ अच्छा समझाता भी है तो ये दोनों उल्टा ही करते हैं। पहले से ही ऐसे हैं जब से सीरियल चालू हुई है, ये कभी नहीं सुधरेंगे। जिस चीज से दूर रहने को कहोगे ना वही करेंगे, ये उल्टे हैं।
एक पल के लिए तो मेघा अनु को देखकर शॉक रह गई। डीन भी अनु को सफाई देना चाहते थे, लेकिन अनु ने मना कर दिया। वो कुछ भी जानना नहीं चाहती। छोटी ने भी कहा कि मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। वाह बेटा, बहुत बढ़िया, उसने हिंट दिया अपनी मम्मी को। लेकिन मेघा को भी शक हो गया है। प्रिया कुछ तो छुपा रही है। मेघा आद्या को बारीकी से नोटिस कर रही है। अनुज अनु से पूछा, तुम्हें क्या हुआ है, इतनी परेशान क्यों हो? अनु ने अनुज को सच नहीं बताया, क्योंकि अनुज बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, समझदारी से काम नहीं लेता। बेटा, 5 साल की नफरत, मम्मी से नफरत की, आज तो नफरत सब भी निकल नहीं रहा। उसे सिर्फ अब अपनी मम्मी चाहिए, बाय हुक बाय कुक। लेकिन अच्छा लगा कि उसे अब बुरी यादें नहीं आती है, पुरानी बातें वो भी मीठी यादें याद आ रही है। अब अनुज अनु को अपनी छोटी ही मिलेगी। सॉरी, ऐसा नहीं बोलना चाहती, पर मुझे ऐसा लगता है कि माया से भी बुरी माँ है। माया तो उसकी सगी माँ थी, फिर भी उसको अपना इतना नहीं समझी थी जितना ये पागल लड़की समझती है। आज अनुज का अनु की केयर करना अच्छा लगा, बहुत अच्छा सीन था। और नंदिता ने भी अनु को बिल्कुल सही कहा कि आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी छोटी है, तो आप पहले कंफर्म कीजिए वहाँ आपकी आद्या है या नहीं, पहले पता लगाइए। ये अनु इतनी रात को कहाँ जा रही है? मेघा सच में पागल है। आद्या पागल हो जैसी हरकतें नहीं करती थी, सिर्फ गुस्सा होती थी, ना कि इसकी तरह मेंटल जैसा बिहेव करती थी। मेघा पूरी तरह मेंटल है, अब इसकी पढ़ाई बर्बाद कर रही है, बाद में जिंदगी भी बर्बाद होगी। आई ऑल्सो डोंट लाइक इट। जिस स्पीड से इन दोनों की लव स्टोरी आगे बढ़ रही है, इन दोनों के जरिए आगे तमाशा क्रिएट होगा। दोनों अपने फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए। बेकार में अनुपमा वर्सेस वनराज देखने के लिए ड्रामा करवा रहे हैं, और मीनू 2 दिन नहीं हुए इंडिया आए हुए, ड्रामा करने के लिए रेडी। सब सेल्फिश है। उसका मामा कैसा है, उसकी मामी एक्स मामी का जीना कैसे हराम करेगा, फिर भी लगी हुई है। पर गलती सागर की है जो खुद बर्बाद होना चाहता है और अपनी अनुदी की मुसीबतें बढ़ा रहा है। सब कुछ जानते हुए आद्या में पॉजिटिव चेंज बहुत अच्छा लगा। कीप इट अप छोटी, गुड छोटी। जिस दिन वनराज भिखारी बनेगा ना, उस दिन मजा आएगा। पहले आद्या कि बड़ी आवाज निकलती थी अनु अनुज के सामने, अब क्या हुआ, उसको डर लग रहा है मेघा से। मीनू कितनी फालतू है, मतलब खुद तो टाइम पास करती है, लेकिन जो पढ़ाई कर रहा है उसको भी पढ़ने नहीं दे रही है, हद है। और ये दोनों सागर वहां से चला भी जा सकता था, लेकिन नहीं गया। आई होप वनराज ये सब देखे और दोनों की वाट लगा दे। ये मीनू सच में उसका करियर बनाने आई है ना, या सागर का करियर बर्बाद करने आई है? जब पता है कि उसकी मामी की जिंदगी में पहले से ही बहुत परेशानियां, फिर भी एक नई परेशानी खड़ी कर रही है। लेजर लाइट का गेम खेल रहे दोनों, इधर उधर भी नजर घुमा लो, कोई देख तो नहीं रहा तुम दोनों को? अनुज ने अनु से कहा आराम करना आशा भवन पहुंचकर। अनु को परेशान देख अनुज वजह पूछ रहा है, अनु की फिक्र कर रहे हैं कपाड़िया जी। मेघा ने भी नोटिस किया है कि प्रिया का बिहेव कुछ दिनों से बदला लग रहा है। देखते हैं, आप आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा, और सबसे बढ़िया छोटी का अपनी मम्मी को हिंट देना तो बहुत ही बढ़िया था। और कल जो सोना बाबू वाली जो कहानी थी वो किस्सा मैं बताती हूँ। समर नंदिनी का झगड़ा होता है और वनराज भी मुक्कू की कंडीशन का फायदा उठाते हुए उसे मैनिपुलेट करता है, जो उसकी शादी में हुआ था उसके साथ। वो ये सब अनु देख लेती है, उसे वही सारी बातें सोच रही होती है और वो कॉफी बना रही होती है, तब भी मुक्कू उसे एकदम आकर भाव करके डरा देती है। गरम कॉफी अनु के हाथ पर गिर जाती है, तब मुक्कू पूछती है हाथ तो नहीं जला? एक बार जला था, तब से संभल गई हूँ, तुम भी जरा संभल कर रहना। पर मैं तो संभल कर रह नहीं सकती हूँ, मुक्कू कहती है। क्या करूँ, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मेरा हाथ भले ही जल जाए तुझ पे आंच नहीं आने दूंगी मारी मुक्कू। ओ माय गॉड भाई,
ये तो 2.5 किलो वाला डायलॉग था। अनुज अनु से पूछता है, ज्यादा तो नहीं जला? अनुज, जरा भी नहीं। अनुज, ऐसे कैसे नहीं, जरा भी नहीं, देखो दिखाओ मुझे। तब वो बर्फ लेने जाता है और अनुज बर्फ लगाता है, तो अनु देखती रहती है अनुज को। तब मुक्कू कहती है, यू गाइस सो क्यूट, कितने क्यूट हो तुम दोनों, मैं तुम दोनों के रोमांस खराब नहीं करना चाहती, ये पाप तो मैं बिल्कुल अपने सर नहीं लेना चाहती। और वो वहां से चली जाती है। अनु बाद में फिर से खो जाती है। अनुज उसे देखता है और बोलता है, कहाँ खो गई वो जी, तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। अनु कहती है, जी। वो इधर उधर देखता है, फिर बोलता है, हम टीन एज में होते तो एक दूसरे को मेरा बाबू, मेरा सोना, मेरा बेबी कहकर बुलाते। तब अनु कहते हैं, जी मेरा सोना, मेरा बाबू, जी। अनुज, क्या जी, मैं इतनी देर से कुछ कह रहा हूं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तुमने कुछ सुना नहीं, कहाँ खोई हुई हो? तब अनु होश में आती है और वो पूछता है कि कल जब तुम पतंग उड़ाओगी तो उस पतंग की चक्री मैं पकड़ सकता हूं? अनु कहती है, मैं पतंग उड़ाऊंगी तो चक्री आप पकड़ेंगे, और जब आप उड़ाएंगे तो मैं पकड़ूंगी। ये था बाबू सोना का वो किस्सा। कैसा रहा बताइएगा आप भी अंजू जी, और मेरी सारी बहनें भी। आज का एपिसोड बहुत अच्छा था। आद्या इज अ वेरी गुड। बाय गाइस, गुड नाइट। अंजू जी आपको, नवीन सर को भी प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस। अंजू जी, सुबह का रिव्यू भी बहुत अच्छा था। 5 साल की नफरत अब वो भूल चुकी है। बाय अंजू जी। थैंक यू सो मच ख्याति जी, सही में आपको हंसी आई, केंजल की तरह तो हंसने वाला ही सीन था, कार्टूनी है वो लोग। और बाकी आपने कहा है कि माया से बहुत ज्यादा अलग है ये मेघा। माया इतनी बुरी माँ नहीं थी। हाँ, माया की, क्योंकि अपनी बेटी थी, माया ने तो अपनी बेटी के लिए त्याग किया था कि मेरी बेटी मेरे वाले काम में ना फंसे, इसलिए वो अनाथाश्रम छोड़ के गई थी। बाद में अनुज से प्यार हुआ तो माया थोड़ा सा ट्रैक से आउट ऑफ ट्रैक हुई, मगर आध्या के लिए यानी कि छोटी के लिए आउट ऑफ ट्रैक नहीं रही। तो माया से कोई कंपैरिजन इसका मेगा का नहीं हो सकता, बट मेगा का दुख क्या है वो समझ में आएगा, फिर ही हम कुछ बात इसके लिए कह सकते हैं। अभी मेगा सिर्फ एक बीमार माँ लग रही है। तो थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके रिव्यू के लिए। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। और जन्माष्टमी का त्योहार है तो सब लोग बिजी हैं अपने अपने घर पे, और गेस्ट आ रहे हैं, तो ऐसे ही आपके त्योहार गेस्ट से अपनों से भरे रहे, यही मेरी आशा है। और जो अभी जितना भी टाइम निकाल के रिव्यू भेज सकते हैं भेजिए, कोई स्ट्रेस नहीं है, त्योहार एंजॉय कीजिए। और जो नहीं भेज पाए अभी तक, उनके लिए नंबर शेयर करती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे वीडियो या ऑडियो भेज सकते हैं, और बाकी इसके लिए आपको HS कम्युनिटी का मेंबर भी बनना पड़ेगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.